भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो, जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता।
ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ अवश्य सिखा देती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे लोग उतना ही दबाते हैं। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल है। वक्त गूंगा नहीं बस मौन है, वो आने पर बता देगा कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुका कर चलती है। किसी भी एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारो। कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे बचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है,
तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकेंगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।